यदि आपने भी यूपीआई पेमेंट से कहीं पैसे भेजे और आपसे ट्रांजेक्शन जो है गड़बड़ हो गया, यानी कि गलत ट्रांजेक्शन हो गया, कहने का मतलब यह है भाई मोबाइल नंबर पैसे भेज रहे थे और एक अंक दो अंक इधर उधर गलत होने से या मोबाइल नंबर पुराना होने से अभी वो पैसे दूसरे अकाउंट में चले गए, या तो अकाउंट नंबर इधर उधर हो गया और दूसरे अकाउंट में पैसे चले गए, अब उसको पैसे को कैसे रिफंड किया जाए, ये प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो जो है यूपीआई पेमेंट के ऊपर ही है। अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम यूपीआई या किसी भी ऐसे यूपीआई पे काम करने वाले, किसी भी यूपीआई को सपोर्ट करने वाले ऐप से यदि आपने पैसे ट्रांसफ़र करे हैं और आपसे कुछ गलती हो गई है, ट्रांजेक्शन से संबंधित कोई भी, पेटीएम से संबंधित कोई भी, यूपीआई से संबंधित प्रॉब्लम है, उसका कैसे सलूशन पाएँ, रिफंड कैसे वापस लें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही पेमेंट को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, अगर पेमेंट फंस गया है, पेंडिंग में है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वापस पैसा आ रहा है और ना ही उस बंदे के अकाउंट में पैसे जा रहा है जिसके में आपने भेजा था, बीच में है, पेंडिंग में काफ़ी दिन से, उसे कैसे क्लियर कराएं, इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए आप आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पर आपको लिखना होगा NPCI। जैसे NPCI लिखेंगे पहला वेबसाइट आपको दिख जाएगा npci.org.in, ये आप मैच कर लीजिएगा। इसको आपको ओपन करना है। जैसे इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप अगर मोबाइल में खोल रहे होंगे तो यहाँ पे तीन डॉट दिख रहा होगा, इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है, डेस्कटॉप साइट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन ये दिखने लगेंगे। अगर आप यही चीज़ अपने सिस्टम में, लैपटॉप में खोल रहे होंगे तो सारे ऑप्शन इस तरह दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर इस तरह ना दिखे तो वहाँ पे आप क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एक आपको दिख रहा होगा कंज्यूमर का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा यूपीआई कंप्लेंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक तो क्या ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ हुआ है, हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, या पिन कुछ गड़बड़ हुआ है, अकाउंट संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको है, यूपीआई में अकाउंट जो है ऐड नहीं हो रहा है, या रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे फंड रिफंड लें और फंड जो है गड़बड़ हो गया है तो आपको क्या करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर दिया हमने। जैसे ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा कि सबसे पहले तो पैसे जो हैं किस तरह से आपके पैसे गए हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्या आपने किसी व्यक्ति को भेजा था या आपने किसी मर्चेंट मतलब किसी संस्था को भेज दिया है, किसी कंपनी को भेज दिया पैसे, वो वापस चाहिए। आपको हम इस वीडियो में बताते हैं किसी आदमी को आपने भेज दिया है पर्सनली, उसे कैसे वापस लें। तो पर्सन टू पर्सन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम बताना होगा किस तरह का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये दिख रही है कि अमाउंट तो कट गया लेकिन जो है बेनिफिशियरी जिसके पैसे भेजने थे उसके पहुँचे नहीं, या तो अगला है ट्रांजेक्शन फेल हो गया लेकिन अमाउंट कट गया और पैसे अभी तक वापस नहीं आए। अगला है कि गलती से दूसरे के अकाउंट में चले गए, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में चले गए। एक है ट्रांजेक्शन टाइम आउट हो गया लेकिन अमाउंट जो है डेबिट हो गया हमारे अकाउंट से, एक ये हो गया ऑप्शन। और ऑप्शन देख सकते हैं, एक तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब हम अकाउंट नंबर सही डाले थे लेकिन पता नहीं कैसे गलती से दूसरा चीज़ पड़ गया, ठीक है, तो एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन का हो गया। एक ट्रांजैक्शन आपका पेंडिंग है बहुत दिन से, नहीं आप में वापस आ रहा है और ना ही जिसके भेजे हैं उसके में पहुँच रहा है पैसा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन का जो है परमिशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब वहाँ ऑप्शन दे रहा है ऐसा करके लिख रहा है। ट्रांजेक्शन बार बार डिक्लाइन हो जा रहा है, मतलब कैंसिल हो जा रहा है, या तो थ्रेशोल्ड एक्सीड का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब आपको जितने पैसे आपको भेजने थे, मान लीजिए आप 10,000 भेजे, एक बार 20,000 भेजे, एक बार 5,000 भेजना चाह रहे हैं, तो अब थ्रेशोल्ड एक्सीड दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमने गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज दिए, यहाँ पे इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, इस पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कमेंट लिखना होगा, कमेंट मतलब 500 करेक्टर के अंदर आपको सारी बात लिखनी होगी कि आप कैसे पैसे भेज रहे थे, क्या अकाउंट नंबर था, किस में पैसे जाने चाहिए थे, किस में चले गए, ठीक है, क्या सही अकाउंट नंबर है, क्या गलती से अकाउंट नंबर पड़ा, वो चीज़ आपको यहाँ डालना है। फिर आपको ट्रांजेक्शन आईडी कुछ ना कुछ मिली होगी, अगर आप पैसे भेज दिए हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, किस बैंक से पैसे कटे हैं, आपका अकाउंट किस बैंक में है, वो यहाँ पे आप सर्च कर देंगे, वो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। हर एक बैंक का अलग अलग नाम है, हम अटेंडम कोई सा भी एक सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं जैसे RBL हो गया। फिर यहाँ आपको UPI ID अपनी डाल देनी है, अमाउंट डाल देना है कितने पैसे आप भेज रहे थे। फिर आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि ट्रांजेक्शन किए होंगे उसमें डेट लिखा हो यहाँ डाल देंगे, अपनी एक ईमेल आईडी और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका UPI पे है वो यहाँ डाल देंगे, और अपना जो पासबुक अपडेट वाला होगा वो यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आपके पास पासबुक नहीं है, बैंकिंग से पासबुक निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग भी नहीं है, तो आप अपना हिस्ट्री जो है जो भी पैसे भेजे हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के PDF बना करके इसमें आप अपलोड कर देंगे, या JPG फॉर्मेट में कर देंगे, PNG में कर देंगे, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपको एक टिकट नंबर मिल जाएगा, मतलब कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद 24-48 घंटे के अंदर
आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, जो यूपीआई वाले हैं वो आपको फ़ोन करेंगे, एनपीसीआई वाले, और आपसे प्रॉब्लम सब पूछेंगे। अगर फ़ोन नहीं करते हैं फिर आपको मेल और मैसेज के थ्रू जानकारी मिलती रहेगी कि आपका भी स्टेटस क्या है। आप जैसे ही पैसे फंसते हैं तुरंत ही अगर आप कर देते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा जो होता है आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। गलती से जिसके अकाउंट में चले गए थे वो रिफंड हो जाएगा यूपीआई द्वारा, एनपीसीआई द्वारा उसे वापस आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस संबंधित और भी जानकारी हम अपनी वेबसाइट पर हमेशा डालते रहते हैं। हमारे वेबसाइट तक कैसे पहुँचे वीडियो क्लास में सुन लीजिए, कुछ पूछना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में, और यहाँ पे आपको टाइप करना है naukriapp.blogspot। मेन लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे।